हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गिविंग गर्ल्स। सो कैसे हो आप सभी लोग? सब लोग बढ़िया हो? मास्क वास्क लगा कर रह रहे हो? सैनिटाइज करके रह रहे हो खुद को कि नहीं? यार सब लोग अच्छे से रहना। हाँ तो चलिए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि MP5 मिस्टर नट क्रैकर। तो तेरे लिए तो है नहीं, ये तो मिस्टर नट क्रैकर है, मिस तो है नहीं है। ये MP5 यार मेरे को अच्छी लगती है, तो मैं ये वाली स्किन जरूर निकालने वाली हूँ। अच्छा देख, MP5 की M पे कैप भी लगी हुई है। हाँ। और नटक्रैकर मालूम है किसको कहते हैं? हल्दीराम की। हाँ। आती है जिसको। हाँ। तो गाइस बेसिकली मूंगफली आती है, बेसन की मूंगफली, शुद्ध हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं नटक्रैकर। तो यार ये मूंगफली जैसी है क्या? देखते हैं, चलाने वाली खाने वाली है, शायद वो मूवमेंट क्रैक हो जाएगी। ओके, या फिर कह सकते हैं गाइस ये अपने एनिमीज को क्रैक कर देगी। एंड इसके एट्रीब्यूट्स भी कमाल के हैं। फायर रेट 20% इंक्रीज, एक्यूरेसी 10% इंक्रीज, एमओ डिक्रीज है वो भी केवल 10%। पता है एक्यूरेसी प्लस होने से क्या होता है? ये मतलब एमिंग अच्छी होती है, बॉडी पे चिपकती है। और फायर रेट होने से एक तो ट्रैक अच्छा लगता है, दूसरा फायर रेट है यानी कि जल्दी 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 फायर होते हैं तो सामने वाले बंदे पर डैमेज भी ज़्यादा जाता है। तो यार एट्रीब्यूट्स के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है। नब्बू आईफोन पे इससे भी खेलना स्टार्ट करना है तेरे को। हाँ। तो ट्रैक मान ले करेगी तो फिर तो मान जा करूँगी। तो चलिए गाइस तो वीडियो करते हैं। देख सकते हैं गाइस ये न्यू वेपन रॉयल अपना आ चुका है, तो इसमें MP5 की स्किन निकल जाएगी। सस्ते में निकलेगी महंगे में? यार मेरे को उनको पता है मेरे पास ज्यादा डायमंड है तो महंगे में ही निकालते हैं। अच्छा, और देख यार लकी नंबर भी तेरा 0 है, तो देखते हैं कितने में निकलेगी। स्पिन करें, करते हैं स्टार्ट। कर दो, एक साथ ज्यादा स्पिन करना नहीं, पहले एक स्पिन करते हैं, क्या पता पहले में ही निकल जाए। निकल जाए निकल जाए निकल जाए निकल जाए निकल जाए 24 घंटे के लिए। ठीक है, अभी एक ही 24 घंटे के लिए ठीक है। आज के बाद गेम नहीं खेलना कभी फिर। तो चलो गाइस अब करते हैं पूरे 10 स्पिन एक साथ। ठीक है, नहीं पहले एक स्पिन एक और करते हैं, 1-1 और फिर एक साथ 10, सो ही निकल आएगी। एंड गाइस ये क्या सेकंड स्पिन, और इस पास परमानेंट निकल आई। ये तेरे पास थी भी नहीं ना शायद? वे परमानेंट निकल आई एक स्किन, ये तो थी शायद। नहीं है, नहीं होती तो बात हो जाता, फिर टोकन में कन्वर्ट हो जाती ना, पता नहीं। चलो जो भी, बाद में देखते हैं। वैसे इसमें प्राइजेस की लिस्ट में जाकर देखें तो फिर यार ज्यादा अच्छा कुछ है नहीं अपने पास, ज्यादातर कुछ सब कुछ है यार वो तेरे पास। बस एक ये वाली स्किन नहीं है, बम्बल बी वाली, और एक ये वाली स्पास नहीं है। मैं अमीर हूँ, मेरे पास सब है। तो चलो अब करते हैं एक साथ पूरे के पूरे 10 स्पिन। हाथ जोड़ के बैठ जा, तुमको हाथ जोड़ के बैठ ली, जहाँ हाथ जोड़ के बैठ गई है, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, सारे बाउचर खत्म। और अरे दो दो बाद 24 घंटे लग गए। 1, 2, 3, 4, 5 बार 24 घंटे, एक बार पहले 6 बार, 6 दिन के लिए मिल गई। अब ठीक है, अब मत निकालो, मेरे पास जो पुरानी वाली से ही होंगी। अरे एक आध बाउचर अभी और आ जाएगा, देख ये एक बाउचर ये मिल गया, एक बाउचर ये मिल गया, तो 2 स्पिन और कर सकते हैं। अभी मैंने तेरा एक भी डायमंड नहीं लगाया। लकी 100 पे निकलेगी, मुझे पता है। हैं? हाँ। नहीं हम निकालेंगे ही नहीं। और ये निकाली, और ये से 24 घंटे नहीं निकालेंगे, ये लकी 100 पे निकालेंगे, रहने दो। चल एक और कर। अरे तो अभी तो बाउचर, अभी एक भी डायमंड नहीं लगाया मैंने। तो बाउचर भी डायमंड से ही आते हैं। तो इतनी इंटेलिजेंट कब से हो गई? जब से फ्री फायर खेलना शुरू किया। ना ना ना, ये झूठ नहीं। चले यार एक गोल्ड रॉयल में स्पिन करते हैं, फिर देखते हैं फिर क्या निकल पाएगा। डायमंड लगाते हैं हम, डायमंड लगाएंगे अब मैं तेरे डायमंड लगाने वाला हूँ। मत लगाओ, ये नहीं निकलेगी, मुझे पता है, मेरे संग हमेशा धोखा होता है। ये 24 घंटे के लिए देते हैं और फिर उसके बाद लकी 100 में निकालेंगे ये। और नहीं, हम लकी 100 तक जा ही नहीं रहे, टेंशन ना ले। तो करते हैं गाइस डायमंड से फर्स्ट स्पिन, देखते हैं डायमंड के स्पिन से शायद खुश होकर ये लग देते। फार्म हाउस की जो थी तेरे पास वो नहीं थी, देख इस पास की, देखिए रैंक टोकन में कन्वर्ट हो गई ना, वो वाली नहीं थी तेरे पास, ये वाली है। एक और किया डायमंड का स्पिन, 4-4 डायमंड का एक स्पिन है, पता है? ये देखिए क्या दे रही है, बैंगन का भरता सा। अब मैं तो पूरे 400 डायमंड लगा रहा हूँ, गुस्सा आ रही है मेरे को। लगा दो एक बार, 400 लगा दो फिर नहीं लगाएंगे। ठीक है,
गाइस हम एक बार 400 डायमंड लगा रहे हैं, उसके बाद हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि 6-7 दिन के लिए मिल गई, बस हम इसी से खेल के खुश हो लेंगे। ठीक है, चलो। तो गाइस 400 डायमंड का ये मैंने लगा दिए, पूरे 400 डायमंड। आजा 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 आजा। नहीं देंगे, मुझे पूरा यकीन है नहीं देंगे, ये 24-24 घंटे ही देते रहेंगे। मैंने कहा था ना, मैंने फर्स्ट स्पिन पे ही कहा था मत निकालो, नहीं निकलने वाली। अच्छा अच्छा, लकी 28 हो गया, 30 तो करते हैं इसको। ऐसे ऐसे कर करके तो मेरे पूरे 100 लकी, मैं को नहीं करना। अच्छा अच्छा, तो पक्का दोस्त। अच्छा दे, एक स्पिन में तो यही निकला है, देखा हमारा बाउचर, ये बाउचर तो डायमंड से निकला है। नहीं, डायमंड से थोड़ी निकला, 24 घंटे को ही दे रहे हैं वो। चलो लास्ट स्पिन करेंगे लकी 30 तक, ठीक है, फिर नहीं निकालेंगे हम इसको, फिर हमारी से कट्टी कर लेंगे हम इससे। ये लास्ट स्पिन है गाइस आज का, हम निकले तो अच्छा, ना निकले बैंगन का भरता। लो इस वाले चाकू को निकाल ले। हाँ, बैंगन का भरता बना और फिर इससे कट कट करके कट करके सब्जी बना ले। ठीक है, चलो गाइस अब हम इसमें स्पिन नहीं करने वाले, मैं बाद में करूंगा, जब ये कंपो नहीं होगी ना तब करूंगा। मेरे डायमंड उड़ने नहीं चाहिए, ये नहीं 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 निकलेगी, मुझे पता है। फालतू में मैं इतने का तो मैं लोगों को गिव अवे कर देती, लोग खुश हो जाते। तो गाइस ट्रेनिंग में ले जाते हैं हम अपनी नई MP5 को, देखते हैं कितना बॉडी डैमेज और हेड देती है ये, और अपने पास जो जो स्किन है उनसे भी इसका कंपैरिजन करेंगे, तो देखते हैं कौन कितना डैमेज दे रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं बंदा खड़ा हुआ है हमारे लिए तैयार गोली खाने के लिए, ये दिया 23 का बॉडी डैमेज गाइस, और फायर रेट भी आप देख सकते हैं बहुत ओपी है, 23 का डैमेज है बॉडी पे केवल, एंड हेड है 126 का। पास आके कोई फर्क पड़ेगा क्या, 23 एंड 126, थोड़ा और दूर जाते हैं, चलो दूर जाते हैं काफ़ी, थोड़ा दूर से देखते हैं जाके, और दूर से देखते हैं जितना दूर, चलो अब देखते हैं। 17 हो गया, 23 से 17 हो गया, 126 ही है गाइस यहाँ से हेड, 126 का ही हेड है लेकिन बॉडी डैमेज हल्का सा कम हो गया, 23 से 17 हो गया। जूम से करके, जूम से 23 का ही है, जूम करके मारते हैं अगर डिस्टेंस से, और 126 का हेड है, नॉट बैड। अब हम दूसरी गन टेस्ट करते हैं, एंड गाइस हम सारी टेस्टिंग ना बिना किसी अटैचमेंट के करने वाले हैं, क्योंकि अटैचमेंट यूज़ नहीं करेंगे हम किसी में, आप देख सकते हैं कोई अटैचमेंट नहीं है यहाँ पे। तो गाइस अब दूसरी वाली है हमारे पास साइबर बाउंटी हंटर, इसका डैमेज एंड रेंज इंक्रीज है, यानी कि रेंज बढ़ने पर ही डैमेज उतना ही देना चाहिए गाइस इसको। तो गाइस मैं इसकी ज़्यादा दूर दूर एमिंग करके इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर रहा, बिकॉज ये इतना लंबे रेंज में इतने काम आनी नहीं है, शॉर्ट रेंज गन है इसलिए मैं उन पर एम नहीं कर रहा हूँ। अब देखते हैं ये बॉडी डैमेज दे रही है 18 करीब का, 24 लेग पे 18 दिया था, और बॉडी डैमेज दे रही है गाइस 24 का, वो दे रही थी 23 का, और 132 का हेड है गाइस इससे, और उससे हेड आ रहा था कम का, है ना। अब थोड़ा डिस्टेंस पे जाते हैं तो 24 का गाइस इसका अभी भी बॉडी डैमेज है, 24 का ही इसका बॉडी डैमेज है, और हेड देखते हैं, हेड आ रहा है 132 का, बिकॉज इसमें रेंज इंक्रीज थी, दैट्स वाई। जूम करके मारेंगे तो वही 24 का ही है एंड 132 का ही है, यानी कि क्रोनो को तो बीट नहीं कर सकती ये हमारी नई वाली नटक्रैकर, क्रोनो अब भी अच्छी है, लेकिन हाँ उसका थोड़ा सा रेट ऑफ फायर अच्छा है, देखते हैं इसका रेट ऑफ फायर, उससे बेटर है नहीं है, नहीं उसका हल्का सा फास्ट है, हल्का सा फास्ट है उसका नटक्रैकर वाली का। तो गाइस आप देख सकते हैं रेंज इंक्रीज होने से क्रोनो कितनी बेटर हो गई उसके नटक्रैकर के मुकाबले, जबकि नटक्रैकर इतनी अच्छी गन है। तो गाइज आई होप आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो, समझ में भी आया हो, और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम कंपैरिजन में, आप और कैसे देखना चाहेंगे वो भी आप बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज, बी सेफ, स्टे एट होम गाइज, बिना किसी नीड के घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलो, सिचुएशन बहुत टाइट है। तो मिलते हैं गाइज आगे फर्दर वीडियोज़ में, टेक केयर गाइज, बाय बाय।